बस तमाम जरा बैंकिंग कंट्रीब्यूटर्स को दिखा दीजिएगा और उसके बाद चलते हैं अनुज के पास। अनुज अभी तो बिहेवियर ठीक ठाक लग रहा है, लग रहा है कि आई मीन सेकंड हाफ और इंटरेस्टिंग होगा। चलिए अनुज से शायद अभी थोड़ा संपर्क हमारा हुआ नहीं है, लेकिन आप देखिए सिर्फ एक यस बैंक बैकफुट पे खड़ा है मानव चोपड़ा हमारे साथ। मानव आज सुबह यकीन मानिए मेरे को भी नहीं लग रहा था कि हम ऐसे बिहेव करेंगे जिस प्रकार का शुक्रवार का डेटा था, लेकिन 10:30 या फिर 10:15 तक आते आते स्थितियां बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी कि ये मोमेंटम फिजल आउट नहीं होगा। अब बेस्ट अल्टरनेटिव इस तेजी को खेलने का क्या है, क्योंकि 12,020-12,040 के ऊपर वाकई ये स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है और जो एक अगर आप देखें अनवाइंडिंग प्रेशर थकान के संकेत मिल रहे थे, आज उसको बिल्कुल दरकिनार कर दिया इंडेक्स ने। आपके अप्रोच क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें भी तो लास्ट 3 हफ्तों में निफ्टी ने करीब एक 2G फॉर्मेशन बनाया होता है वीकली चार्ट्स, तो उसके जो हाईज और लोज होते हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पिवट पॉइंट्स रहेंगे फॉर एनी ट्रेंडिंग एक्शन फॉर द मार्केट्स इन द न्यू टर्म। तो उसके चलते निफ्टी स्पॉट में अगर देखें तो 12,040-50 का जो रेजिस्टेंस है ऑन द स्पॉट लेवल्स वो एक बार डिसाइसिवली ब्रेक करके क्लोज करना बहुत जरूरी रहेगा। उसके बीच में हम वॉलेटिलिटी कंटिन्यू करेंगे, एक्सपेक्ट करेंगे दैट इट कैन कंटिन्यू ऑन द बोथ द साइड्स, बट करंट बायसेस रहेगा जो स्ट्रक्चर और जो ट्रेंड रहा है कि अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट करे। एंड हमने जिस तरह देखा है कि ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप बहुत स्ट्रॉन्ग है 12,000 पे, मेरा ऐसा मानना है कि अगर एक बार 12,000 के ऊपर भी क्लोज करता है तो वहां पे हम अनवाइंडिंग देखेंगे, जिसके चलते निफ्टी में एक अच्छी अपसाइड रैली आ सकती है। तो उसके चलते दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी में बाय करने की सलाह है। निफ्टी में 11,920 का स्टॉप लॉस रख के बाय किया जा सकता है, अपसाइड टारगेट रहेगा 12,200 का। और मेरा बैंक निफ्टी पे भी देखें तो बैंक निफ्टी इनफैक्ट काफी टाइम से एक अच्छा आउट परफॉर्मर कर रहा है, अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। एंड जिस तरह उसने रेजिस्टेंस को ब्रेच किया है, यहाँ से 31,600 का हम शॉर्ट टर्म अपसाइड टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लो साइड में जो स्टॉप लॉस रहेगा 31,100, थोड़ा अगर देखें तो हमने जिस तरह से बाय रिकमेंडेशन के बाद से रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, बट करंट लेवल्स और डिप्स में भी बाय किया जा सकता है। ओके, निफ्टी निफ्टी बैंक पे आपकी अप्रोच ये है। और अब आते हैं आपके स्टॉक फ्यूचर्स पे और उसके बाद फिर जाएंगे हम ऑप्शन सेगमेंट्स में। आपके 4 स्टॉक फ्यूचर्स कौन कौन से हैं, आज एक एक करके समझाइए। जी बिल्कुल, मेरा सबसे पहले बाय कॉल रहेगा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल पे। इस स्टॉक ने रिसेंटली करेक्ट डिक्लाइन देखा है, वहां से जिस तरह का एक शार्प रिवर्सल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया है और अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस के ऊपर ब्रेकआउट करा है और रीसेंट स्विंग हाईस के ऊपर ट्रेड करके क्लोज करने की संभावना है। मेरा ऐसा मानना रहेगा नियर टर्म में इस स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड मोमेंटम रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 490 का स्टॉप लॉस रहेगा, लोअर साइड में अपसाइड टारगेट 530 का है। मेरा सेकंड बाय कॉल है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस। इनफैक्ट ये स्टॉक काफी टाइम से साइडवेज कंसोलिडेशन पे ट्रेड कर रहा है, आज जिस तरह का एक हायर बॉटम बना के एक ब्रेकआउट फॉर्मेशन की तरफ चल रहा है, अगर आज 1150 या 52 के ऊपर क्लोज करेगा वी कैन एक्सपेक्ट वेरी शार्प रैली इस स्टॉक में हम देखते हुए देख सकते हैं। और कहना कि जो ऑसिलेटर्स है वो भी काफी बुलिश जोन पे है। 1120 का स्टॉप लॉस रहेगा श्रीराम ट्रांसपोर्ट में फॉर एन अपसाइड टारगेट ऑफ 1200। मेरा थर्ड पिक है मेटल स्पेस में से हिंडालको। इनफैक्ट एक स्टॉक काफी अच्छा लग रहा है, इसने एक बहुत स्ट्रॉन्ग हायर बॉटम बनाया करीब 190 के रेंज के आसपास, एंड वहां से आज एक हमने इंट्राडे चार्ट्स में ब्रेकआउट देखा है एंड ये डेली बेसिस में अपने बोथ लॉन्ग टर्म एवरेजेस के ऊपर क्लोज करा है। सो यूजली ऐसे फॉर्मेशन से हम एक एंटिसिपेट कर सकते हैं, नियर टर्म पर्सपेक्टिव में एटलीस्ट रिसेंट स्विंग हाई को प्राइस टेस्ट कर सकता है। 192 के स्टॉप लॉस से इसको बाय किया जा सकता है, अपसाइड टारगेट 210 का रहेगा। और मेरा आखिरी पिक है मारुति पे। इनफैक्ट मारुति का भी स्ट्रक्चर देखे तो रिसेंटली जिस तरह करेक्टिव डिक्लाइन ये स्टॉक ने देखा है रिसेंट हाइस ऑफ 7700 से, एंड वो करेक्टिव डिक्लाइन कहीं ना कहीं आज के रिवर्सल के बाद समाप्त होती हुई दिख रही है। उसके चलते प्राइजेस ने भी अपने ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज करा है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड रिवर्सल के संकेत आ चुके हैं। ओपन इंटरेस्ट में भी काफी अच्छी बिल्टअप है, 7100 के स्टॉप लॉस से इसको बाय करने की सलाह रहेगी, अपसाइड टारगेट रहेगा 7350 का। चलिए ये थे मानव के ट्रेड नहीं, इसको 450 या फिर 446 की रेंज तक कैसे अप्रोच करेंगे? अब ये कॉल कितने पे आ गई है, 7.35 रुपए पर। आपके अप्रोच क्या है? जी बिल्कुल, अगर हम देखें भी तो जिस तरह का एक ब्रीफ रिट्रेसमेंट हमने देखा था एलआईसी में, उस तरह एक बेस फॉर्मेशन बना के
डेली चार्ट्स में एक बहुत शार्प डिसाइसिव ब्रेकआउट दे रहा है एंड जैसे आपने बताया ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है, मेरा ऐसा मानना रहेगा कि 430 या 440 उनकी कॉलिंग जा सकती है, बट 430 की थोड़ा सेफ रहेगी, करीब 7.5-7 रुपए का रेट चल रहा है उसका, अगर आप चाहे तो 4 रुपए के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं। मेरा ऐसा अनुमान है कि अगर ये 430 के ऊपर क्लोज देगा इन नेक्स्ट शॉर्ट टर्म सिनेरियो में हम एटलीस्ट 445 तक के टारगेट्स देख सकते हैं, तो जिसके चलते 12.5-14 रुपए का अपसाइड पोटेंशियल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी फेवरेबल रहेगा। जी हाँ, 7 रुपए पैसे या 4 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के ट्रेल करिए। और एक और चीज, आपको याद होगा शुक्रवार को मैं आपसे ये कह रहा था कि ये बाजार नीचे आ रहा है, निफ्टी बैंक डे लो पे क्लोज हुए, लेकिन अगर आपको स्ट्रेंथ को प्ले करना है तो आप SBI को प्ले करिए। और SBI की 330 की कॉल हमने उस वक्त डिस्कस की थी, जरा 330 की कॉल पे हम लिखाइए, लेकिन अब SBI पे कहां फोकस करना है, अब SBI की कॉल पे फोकस करना है और थोड़ा सा आउट ऑफ मनी। अगर हम SBI को देखें इस वक्त SBI कहां ट्रेड कर रहा है, प्लीज जरा इसकी 340 की कॉल ऑप्शन लेके आइएगा, मानो इस पर प्लीज कमेंट करिएगा। SBI अब ट्रेड कर रहा है आपका 434 डे हाई पर, और जिस प्रकार का ये ब्रेकआउट है ये चार्ट्स पर काफी अच्छा लग रहा है। क्या 280 की कॉल ऑप्शन जिसमें काफी स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, और इनका इनफैक्ट मैं इसका OI एक बार आपको बता भी देता हूं, SBI की 330 की कॉल जो कि हमने शुक्रवार को ली थी उसके OI में आज 8,67,000 शेयर घटे हैं। हमने खरीदी थी लेकिन आज उसमें OI लूज हुआ है, दैट मीन्स कॉल राइटर बाहर निकला है, और 340 की कॉल का OI 42,000 शेयर जुड़ा है, यानी अब जो ये कॉल है बाजार उस पर फोकस कर रहा है, बाय करके चल रहा है उसको। आप इसे बाय करके चलेंगे क्या SBI की कॉल को 340 या फिर 335 या फिर 330 की स्ट्राइक? अगर करंट लेवल्स में भी देखा जाए तो कहीं ना कहीं SBI का जो एक फॉर्मेशन है एक राइजिंग वेज की तरह है, एंड थोड़ा शॉर्ट टर्म बेसिस में एग्जॉशन दिख रहा है। मेरा ऐसा मानना रहेगा कि जब तक 338 के ऊपर हम ब्रेकआउट नहीं आता है, इसका ब्रेकआउट डेफिनेटली 335 के आसपास है, बट ये एक रेंज है कि इसका वॉलेटिलिटी बहुत श्रिंक हो चुका है रिसेंटली, तो जब तक 338 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं आएगा स्पॉट लेवल्स पे, मेरा ऐसा अनुमान है कि नियर टर्म में साइडवेज रेंज में ही रह सकता है। सो मैं एक कंडीशनल बाय करूंगा, अगर सपोज 338 स्पॉट लेवल्स के ऊपर क्लोज आएगा देन ही मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए इसको मैं बाय के लिए रेकमेंड करूंगा, नहीं तो नियर टर्म पर्सपेक्टिव में मेरा ऐसा अनुमान है थोड़ा साइडवेज टू कंसोलिडेशन मूव देख सकते हैं हम उसमें। ओके मानव, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पर आ रखे आपने, SBI डे हाई पे कारोबार कर रहा है, LIC हाउसिंग फाइनेंस पे सेकंड हाफ में, और उस कॉल ऑप्शन पे नजर रख के चलिएगा। और आज का जो मूव है ना थोड़ा सा वो ऑटो पे बहुत भारी है, याद रखिए मारुति डे हाई पर, TVS मोटर्स डे हाई पर, आयुषा मोटर्स डे हाई पर, हीरो मोटर कॉप डे हाई पर, ऑटो पर भी सेकंड हाफ में आप नजर रख के चलनी है। फिलहाल इस कार्यक्रम में फ्यूचर एक्सप्रेस में इतना ही, थोड़े से ब्रेक के बाद आशीष वर्मा के साथ देखिए हफ्ता वसूली। नमस्कार।